चेयरमैन साहब ने कॉल किया था। अच्छा। तो हम मिले भी हैं चेयरमैन साहब से, लगभग दो दो ढाई ढाई घंटे हमारी मुलाकात हुई है उनसे। तो हमको लगता है कि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी, जैसा उन्होंने विश्वास भी दिलाया है कि जो भी बातें, रेलवे प्रयास में है कि इस मामले को खत्म किया जाए, जो सही जगह पे आप पहुंच गए हैं। मतलब रेलवे का नहीं, समझिए पीएमओ का ये इंस्ट्रक्शन भी है कि आगे भी कोई घटना ऐसी ना घटे उसके लिए सर बताइए क्या करना हो। अच्छा अच्छा, अभी बातें जो चल रही है कि आगे भी ये घटनाएं ना घटे, क्योंकि ये घटना कहीं ना कहीं से, हम भारत देश के लोग हैं, हमें अपनी मिट्टी से प्यार है, हम किसी भी चीज़ को अगर तोड़े हैं, कोई भी बच्चा अगर तोड़फोड़ किया है या किसी पुलिस किया है, उनको भी है इस बात का। हम अपने रेल की संपत्ति हमारी संपत्ति है, तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि आगे ऐसा ना हो, तो उसके लिए हमारी कुछ मांगे हैं तो सरकार पूरी कर दे। जैसे हम लोग चाहते हैं रेलवे का कैलेंडर जारी हो, बच्चों को बीच में ना लटकाया जाए, रेलवे का कैलेंडर जारी हो। आपको 10,000 वैकेंसी देना है, आप क्लियर कर दीजिए, हम 10,000 वैकेंसी देंगे, इतना डेट में आपका वैकेंसी हम क्लियर कर देंगे। क्यों किसी की जवानी आप बर्बाद कर रहे हैं? 5-5 साल 10-10 साल बच्चा पढ़े जा रहा है, पता नहीं एग्जाम कब होगा। तो रेलवे कैलेंडर पर हम लोगों ने विशेष फोकस किया है। दूसरा जो दो मुद्दा है वो तो मान ही लिया गया है लगभग, बाकी ईडब्ल्यूएस का मुद्दा हम लोगों ने प्रमुखता से रखा है कि ईडब्ल्यूएस में मामला क्या है कि 17-18, आप लोग इधर आ जाइए थोड़ा सा, 17-18 का जो मामला है, 2017-18 वाला जो ईडब्ल्यूएस का मामला है, उस टाइम ईडब्ल्यूएस बन नहीं रहा था। अब बन नहीं रहा था तो समझिए कि अब अभी जो बच्चा उस टाइम बन नहीं रहा था, आपने एक ऑप्शन भी दिया था कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है नो कर दो, नो कर दो, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अभी का डॉक्यूमेंट्स आप मानिएगा तभी ना काम होगा। और ईडब्ल्यूएस एक नेशनल मुद्दा है, ऐसा नहीं कि किसी खास लोगों का मुद्दा है, तो ईडब्ल्यूएस पे हमको लगता है कि जल्दी सरकार इस पर बात पार का। दूसरा एक पोस्ट प्रेफरेंस का भी एक अहम मुद्दा सामने आ रहा है, मेडिकल स्टैंडर्ड का भी एक मुद्दा सामने आ रहा है। दूसरा कि एग्जाम लैंग्वेज की भी बात हो रही है, क्या जब नया कोई अगर आता है और एग्जाम लेता है तो आप उसको ये इंस्ट्रक्ट पहले से कर दीजिए। वो तो हम लोग बिग बूस्टर मेरा एप्लीकेशन है, उसमें हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज जब चाहे तब दे सकते हैं, तो आप उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों कर दीजिए। इट मे बी कि उसने इंग्लिश भर रखा है, अब उसको मन है कि हिंदी में पेपर दें, वो हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में देगा। तो एग्जाम लैंग्वेज पर भी बातें चल रही है। रॉ मार्क्स जो घटने वाला मामला है उसमें एक बात जो आरआरबी की तरफ से निकल कर आ रही है, उसका नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा जटिल है, उसको समझना पड़ेगा। उस पर भी हम लोग सवाल खड़े किए हैं कि आप नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को क्लियर कीजिए। हम मान लेंगे सब बात कि घट गया कि बढ़ गया, हम सब बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कंडीशन सप्लाई की क्लियर होना चाहिए कि मेरा क्यों घटा और सामने वाला का क्यों बढ़ा। हाँ नहीं, उस पर भी बात हो रही है। देखिए नहीं, घट भी सकता है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन बच्चों के मन, मान लीजिए इस अमित कुमार के मन में ये बात क्यों रहेगा, इसको क्लियर कर दीजिए। आप ही तो कहते हैं ट्रांसपेरेंसी के बाद, तो आप अमित कुमार सुमित कुमार के मन की बात को क्लियर कीजिए। आप मन की बात बहुत करते हैं।